प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार अनम शेख को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पर, बल्कि चर्चा करेंगी कि क्यों पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक मुल्क है, फिर भी मुस्लिम देशों के साथ वो जंग में है, यानी मुसलमान ही मुसलमान को क्यों मार रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे ही आप कहिएगा कि 72 वर्जिन हूर, उसको बहुत मजा आएगा। 135 फुट की लंबी हूरें मिलेंगी, उसको बहुत मजा आएगा। चार चार बीवियां रखोगे, बहुत मजा आएगा। चाचा मर जाएंगे तो चाची से शादी करोगे, बहुत मजा आएगा। तो जो कौम दिन रात सुबह शाम औरत के चोली के अंदर घुस करके रहना चाहती है, जिस कौम के मर्द हर वक्त ये देखते रहते हैं कि किस औरत ने छाती पर दुपट्टा रखा है और किसने नहीं रखा है, यही इनको बर्बाद कर रहा है, यही इनको तबाह बर्बाद कर रहा है। और आप देखो ना कि आज ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक दूसरे का गला रेत रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, एक दूसरे को, लोगों को मार रहा है, एक दूसरे को, लोगों को उठा उठा करके पटक रहा है, फेंक रहा है। और वहीं पर भारत को देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम अपने हिंदू भाई बहनों को वापस इज्जत से बुला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सर उठा करके जीने का हक दे रहे हैं। तो ये है सनातन धर्म का मानवता। अभी देखिए, तालिबान स्पोक्समैन जबीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है, जो एयर स्ट्राइक कर रहा है और जो सिविलियन पर बॉम्बारी कर रहा है और जो सिविलियन के घर पर बॉम्ब फेंक रहा है, ये कहां का इंसाफ है। ये आपके तालिबान के, अफगानिस्तान तालिबान के स्पोक पर्सन जबीउल्लाह ने कहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप लोग कैसे पूछ लेते हैं और आप लोग कैसे ये गॉसिप कर लेते हैं, वो भारत में तो मुसलमान बहुत बहुत परेशान है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे आप, मुसलमान को कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता है। मुसलमान एक ऐसा चमड़े का बना हुआ है जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरों को तंग करके रख देता है। आप देखो, मुसलमान जाएगा लंदन, वहां के लोग परेशान, मुसलमान जाएगा अरब, वहां के लोग परेशान, मतलब कहीं भी मुसलमान जाएगा वो वहां पर लोगों को परेशान करेगा। और जब मुसलमान आपस में रहेगा तो फिर एक दूसरे को फिरके के तौर पर परेशान करेगा। सही बात है। फिर भी आप लोगों के यहाँ ये गॉसिप होता है कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। अरे क्यों परेशान है, ये इतनी ऐठी हुई कौम है, ये इतनी ज्यादा ऐठी हुई कौम है और इतनी ज्यादा विक्टिम कार्ड खेलने वाली कौम है कि इसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। अब आप सोचो, मेरे भारत में हर चीजें इतनी रीजनेबल है और रमजान को देखते हुए भी कोई चीजें महंगी नहीं हुई है, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। आपके यहाँ महंगाई देखो रमजान में, गरीब आदमी अनम रोजा रखने के बाद पाकिस्तान का भरपेट खा नहीं सकता है। और ये कैसा इस्लामिक देश है और ये कैसे मुसलमान है जो कोई महल में रह रहा है मरियम नवाज बन करके और नवाज शरीफ बन करके और भुट्टू का परिवार बन करके, और एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है जो एक ग्लास पानी और एक खजूर से रोजा खोल रही है। मुझे बहुत अफसोस होता है, सच मान अल्लाह की कसम, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आखिर मुसलमान अपनी इस जिद से, अपनी इस हरकत से, अपनी इस अश्लीलता वाली आदत से कब बाहर निकलेगा। और एक दूसरे को दर्द में दर्द बांटना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, मानवता को सबसे पहला रखना, सबसे पहले रखना, ये कब सोचेगा मुसलमान। मैम, अगर देखा जाए ना तो मुसलमान, हमें भी बताया गया है कि गजवाए हिंद होगी और मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान पे काफिरों पे काबिज हो जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पूरा मन बैठा हुआ है,
हिंदुस्तान के बॉर्डर में तो कोई लड़ाई नहीं है, ना अफगानिस्तान से, ना ईरान से, ना पाकिस्तान से, और किसी से नहीं है। वो इतना पूरा मन बैठा है, ना उसको किसी से खतरा, ना किसी को उससे खतरा, तो पूरा बॉर्डर रिलैक्स है। अगर हम बात करते हैं मुसलमानों की, तो मुसलमान काफिरों से लड़ने की बजाय, गजवा हिंद करने की बजाय, या फिर यहूदियों से लड़ने की बजाय, या मुसलमानों की एक ताकत दिखाने की बजाय, बल्कि गजवा हिंद आपस में कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, काफिर काफिर या यहूदी जिनको हम बुरा भला कहते हैं वो तो चुप करके बैठे हुए हैं, वो तो अपनी डिवेलपमेंट, वो तो आपस में, इवन के यहूदी काफर या जितने भी मजहब जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं वो तो आपस में भी नहीं लड़ रहे, मुसलमानों से लड़ने की जरूरत की बात वो तो आपस में भी नहीं लड़ रहे। तो ये चीज भी हमें समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। हम इंडिया को बुरा भला, यहूदी काफर और पता नहीं कौन कौन से मजहब को हम बुरा भला कहते हैं, बस इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। देखिए जितने भी धर्म है, इस्लाम को छोड़ करके, पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को छोड़ करके, जितने भी धर्म वाले हैं, इंक्लूडिंग आपका ईरान, इंक्लूडिंग खतर, इंक्लूडिंग अरब, ये सारी चीजों, ये सारे देशों का फोकस जो है ना वो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर है। इनको लड़बड़ करके किसी भी तरीके से अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना है। इनका विजन एकदम क्लियर है कि भाई टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की कोई जगह नहीं है। हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, और जैसे जैसे देश तरक्की याफ्ता होगा वैसे वैसे देश का हर एक नागरिक तरक्की याफ्ता होगा। पर बात फिर वही आ जाती है ना, बात फिर वही आ जाती है कि कुत्ते के दुम को 10 जन्म भी गाड़ दो तो फिर खोद कर निकालो वो टेढ़ी ही निकलती है। और एग्जैक्टली भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान कुछ ऐसा ही अपना नेचर और तबीयत बना चुका है कि इनको हर वक्त मारने, काटने, रेप करने, बलात्कार करने, इनको अगर हिंदू मिल गए तो वो उनसे लड़ लेंगे, मुसलमानों को अगर बौद्ध मिल गए तो उनसे लड़ लेंगे, मुसलमानों को अगर जैन मिल गए तो उनसे लड़ लेंगे, मुसलमानों को अगर क्रिश्चियन मिल गए उनसे लड़ लेंगे, मुसलमानों को यहूदी मिल गया उनसे लड़ लेंगे, मुसलमानों को अगर सिख मिल गया उनसे लड़ लेंगे, और अगर कोई नहीं मिला तो फिर आपस में लड़ लेंगे। तो लड़ना इज मैंडेटरी मुसलमानों के लिए। देखो पाकिस्तान में आजादी के वक्त 1947 में 23.7% माइनॉरिटीज था। लड़ लड़ करके उन लोगों को अत्याचार करके आपकी सरकार ने और आपके पाकिस्तान ने उसको 1% में तब्दील कर दिया। अब वो 1% बेचारा ऐसे करके बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, और यही हालात है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के। तो अब जो गरीब जो माइनॉरिटी वहां पर है जो ऐसे करके खुद ही बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान मुसलमान सोच रहा है इसको मार के क्या होगा, तो चलो आपस में लड़ते हैं। कि भारत में यहाँ पर एक चीज नोट करे, अफगानिस्तान ईरान से नहीं लड़ा, ईरान दुबई से नहीं लड़ा, दुबई सऊदी से नहीं लड़ा, सऊदी कतर से नहीं लड़ा, 56 कंट्रीज आपस में मुसलमानों की नहीं लड़ी, सब लड़ी है तो पाकिस्तान से लड़ रही है। अच्छा मैं तुमको अब और एक बात बता देती हूँ, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को का उनका नेचर बता देती हूँ। ये आपस में 72 फिरका में भी सुन्नी शिया से लड़ता है, शिया सुन्नी से लड़ता है, ठीक है, फिर सुन्नी दियोबंदी से लड़ता है, फिर सुन्नी बरेलवी से लड़ता है, फिर सुन्नी बोरी से लड़ता है, फिर सुन्नी यहूदी से लड़ता है, फिर सुन्नी पारसी से लड़ता है, फिर सुन्नी हिंदुओं से लड़ता है, फिर सुन्नी सिखों से लड़ता है, फिर सुन्नी बौद्ध से लड़ता है, फिर सुन्नी क्रिश्चियन से लड़ता है। तो मैंने तुमको बोला ना कि मैंडेटरी ये है कि मुसलमानों को लड़ना है, और खास करके सुन्नी जमात को, मतलब सुन्नत रसूल में रोजा नमाज हज ज़कात नहीं है इनके, इनके सुन्नत रसूल में 4 शादी है, 72 वर्जिन हो रहे और लड़ाई है, और इसीलिए तुम देखो पूरी दुनिया से बेइज्जत हो रहे हैं, पूरी दुनिया से बेइज्जत हो रहे हैं, पूरी दुनिया से बेआबरू हो रहे हैं, पूरी दुनिया इनको निकाल के फेंक रही है। अभी देखिए ना, ऋषि सोनक ने 3 दिन पहले अपना एक नोटिफिकेशन इशू किया, मुल्ला नहीं आ सकता, डच ने बोला, मिलोने ने बोल दिया, अरब की सरकार ने आप लोगों को बैन कर दिया कि आप लोग नहीं आ सकते, ईरान ने आप लोगों को बोल दिया है कि भैया मत आओ, अब खतर आपको बोलने वाला है कि भैया मत आओ, भारत आप लोगों को बोल चुका है कि भैया ना ना ना,
आप आओगे कुछ तो जरूर करोगे। तो अब आप सोचो कि मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की और पाकिस्तान के मुसलमानों की औकात क्या रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि किस चप्पल के भी बराबर नहीं रह गई है। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है मैम। उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने चाहे मजहब के ठेकेदारों, चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत में रह रहे शांति दूत हैं, इन सबकी पोल खोल के रख दी और इनको जम के उधेड़ दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।